क्रिएटिव चैनल और सुष्मिता क्रिएटिव चैनल से मैं हूँ सुष्मिता। और आज का वीडियो पूरे हिंदी में होंगे क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन लोगों को बंगाली समझ में नहीं आते, तो उन लोगों के लिए मैं इतना ज्यादा हिंदी में वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि मेरा हफ्ते में एक दो वीडियो हिंदी में आए, तो मैं आज का वीडियो हिंदी में करूंगी। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अच्छे से कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, उन लोगों के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विद बेल, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास जल्दी मेरा नोटिफिकेशन चले जाएंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये वीडियो स्किप करके मत देखिए, क्योंकि मेरा फास्ट हिंदी वीडियो हो रही है। पहले मैं एक कुकिंग वीडियो में हिंदी कर रही थी, तो वो तो मतलब क्या बोलते हैं, रीटेक करना पड़ता है, लेकिन ये तो मैं ऑन स्क्रीन कर रही हूँ ना, तो इसीलिए प्लीज मेरा जो टूटा फूटा हिंदी है उससे प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं तो बंगाली गर्ल हूँ तो मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है। बट कोशिश करते हूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ मेरा कोई हिंदी ब्लॉग और हिंदी वीडियो। तो आज का वीडियो मैं पूरी तरीके से हिंदी में करूंगी। तो आप लोगों को मेरा टाइटल देखकर तो पता चल गया है कि मेरा वीडियो आज किस टॉपिक पे है और किस कंटेंट पे है। मेरा चैनल पे तो आप लोग कुकिंग, क्राफ्टिंग, मेकअप, डांस, बहुत सारे मिक्स्ड अप वीडियो आप लोग ने देखा है, मगर इस टाइप का वीडियो आपने कभी नहीं देखा। तो मैं बस छोटा सा ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर ने चैलेंजेस वीडियो किया है, तो मैं बस आज एक चैलेंजेस वीडियो कर रही हूँ, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे। और वंस अगेन मेरे जो टूटा फूटा हिंदी है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ कि अगर कोई गलती हो, क्योंकि मेरा जेंडर बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं लड़की लोग को होता बोल देती हूँ और लड़का लोग को होता होती बोल देती हूँ। तो जो प्रॉब्लम होंगी ना मेरे कहने पे, तो प्लीज आप लोग माफ कर देना, क्योंकि मुझे मैं तो नॉन बंगाली नहीं हूँ ना, तो इसीलिए तो प्लीज आप लोग मेरा हिंदी को माफ कर देना। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, इस चैलेंज के लिए मुझे लगेगा एक दोपाट्टा, देख रही हो मैंने लिया है एक दोपाट्टा, और मैं एक बोल में कुछ टोकन लिया है और इसमें मैंने कुछ बातें लिखा है, और इसमें 7 टोकन है, मैं इससे 5 टोकन कीप अप लूंगी, और इसमें जो जो लिखा है मैं उसको बोलूंगी। तो चलिए, होप आपको भी वीडियो अच्छा लगे, तो देखते रहिए मेरे। तो मैंने इधर लिया है एक दुपट्टा, देख रही हो मैंने दुपट्टा को बहुत अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब मैं उसको कैसे, आप लोग देख रहे हो मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, ओके, क्योंकि मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो वो बांध दे सकते थे, लेकिन मैं खुद ही खुद को हेल्पिंग हैंड कर रही हूँ, तो मैं आप लोग कोई चीटिंग नहीं करूंगी, ओके। तो आप लोग देख सकते हो, कितना अच्छे से मैंने बांध लिया है। तो अभी मैं बोल से एक एक करके टोकन उठाऊंगी, इसमें इससे 7 टोकन है और इसमें से मैं 5 टोकन उठाऊंगी। तो पहला टोकन मैं उठा लिया है और इसमें देखती हूँ क्या लिखा है। ओके, इसमें एक हिंदी में टाइम ट्विस्टेड वर्ड लिखा है, तो मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ, वो मैं स्पीड में बताऊंगी आप लोग को, ओके। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, ओके। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, 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 जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। आई एम डन, मैंने कर लिया है, मैंने 5 बार कर लिया है, आई एम डन, मैं तो बस हो गई हूँ। तो चलते हैं दूसरे और, मैं दूसरे लिया है ए वाला, मैंने कोई चीटिंग नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें और हाँ, एक बात मैं बोल देती हूँ कि इसमें 3 वर्ड बंगाली में है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। और मैंने उठा लिया एक, इसमें गाना है, ओह नो, इसमें है नजम नजम गान का एक लाइन है, हाथ थाम ले प्रिया करते हैं वादा, और अब सहरा है जो
तू ही है इरादा, हाथ थाम ले प्रिया, करते है वादा अब से आरज़ू, तू ही है इरादा। तो नज़्म नज़्म से आप लोग को शायद ये गाना पता है और मेरा तो ये बहुत ही फेवरेट गाना है। एक गाना और भी बहुत सारे गाना है फेवरेट, तो मैंने गा लिया है और मैं बहुत ही बैड सिंगर हूँ, तो इसीलिए मैं जो गाना मतलब मेरा जो साउंड है बहुत ही बेसुरा है, तो इसीलिए माफ कर देना, एडजस्ट कर लेना। तो चलते हो तीसरी टुकन के लिए। तीसरी मैंने लिया है, ले लिया ए टुकन मैंने ले लिया है। और इस टुकन में देखती हूँ क्या लिखा है। ओके, इस टुकन में बंगाली में एक बातें लिखा है, टंग ट्विस्टर वर्ड है और वो मैं स्पीड में बताऊंगी। तो पहले वो वर्ड बोल देती हूँ, उसमें लिखा है भाजा भाजी भेजे रखो भोरे उठे भेजे खाओ। ओके, 1 2 3 भाजा भाजी भेजे रखो भोरे उठे भेजे खाओ, 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 भाजा भाजी भेजे रखो भोरे उठे भेजे खाओ। आई एम डन, 5 बार मैंने बोल लिया है, आई एम डन, आई एम डन। तो चलते हैं 4 टोकन के लिए। 4 टोकन मैंने उठा लिया है और इसमें देखती हूँ क्या लिखा है। ओके, इसमें भी शायद, हाँ इसमें भी बंगाली वर्ड लिखा है, तो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। जौले चून ताजा तेले चूल ताजा। ओके, जौले चून ताजा तेले चूल ताजा, जौले चून ताजा तेले तू सॉरी गलती हो गई। तो ये डिस्क्वालीफाई है। तो चलती हूँ लास्ट टुकन की, वही है तो मैंने उठा लिया है। देखो इसमें क्या लिखा है। ओके, इसमें एक टंग ट्विस्टर वर्ड है, शायद आप लोग नहीं देख पा रही हो, तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर, काला कबूतर। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। काला कबूतर सफेद तरबूज काला, सॉरी फिर से गलती हो गई, तो ए भी डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो मेरा 5 टोकन पड़ा खत्म हो गया है, तो मैं अभी रैप खोल देती हूँ क्योंकि बहुत ही सफोकेटेड हो रही है। मेरा एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं मुंह बंद करके इतने टाइम तक नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। अभी जो सिचुएशन है, मास्क पहनना पड़ती है, तो उस टाइम मैं तो बहुत ही ऐसा होता है ना कि मास्क कब खुलूंगी, तो मेरा अभी वो सिचुएशन हो रही है। मेरा प्रॉब्लम है अस्थमा का, तो इसीलिए मैं इतना टाइम तक नहीं कर पाती हूँ, तो इस चैलेंज की वजह से मैं कर लिया है। तो अभी खोल देती हूँ, खोल के बातें करती हूँ। तो मैंने खोल लिया और शायद आप लोगों को ये अच्छा लगा, तो मैं कोशिश तो करूंगी कि आप लोगों को खुश रखना, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में माइंड रिफ्रेश बहुत ही जरूरत है। तो इसीलिए मैं कोशिश किया, छोटा सा कोशिश था मेरे तरफ से, और आप लोग को मुझसे और कैसे कैसे चैलेंजिंग वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स से बता देना, मैं जरूर वो कोशिश तो करूंगी अगर हो सके तो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब लोग प्लीज सुस्त रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है आप खुद का टेक केयर करना बहुत ही जरूरी है, तो इसीलिए खुद का टेक केयर करें और खुश रहिए और सुस्त रहिए, हेल्दी रहिए और खुद का इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चलते हैं, बाय बाय।